दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम YouTube के एक ऐसे बग, एक ऐसे इशू, एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों को बताएंगे जो कि आपके चैनल पर लगातार बना है, जिस वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी इसके बारे में नहीं जानता है। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, मैं गारंटी से कहता हूं कि बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि जब मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला था, तो मैंने इसका सोल्यूशन यूट्यूब पर सर्च किया था। मैंने बहुत बार सर्च किया, बहुत कुछ रिसर्च किया, मैंने गूगल में भी सर्च किया कि इसको मैं फिक्स कैसे करूंगा, तो मुझे एक भी ऐसा वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिला जिसमें किसी भी यूट्यूबर ने ये बताया हो कि अभी यूट्यूब पर ये बग चल रहा है, इसकी वजह से जो छोटे चैनल वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। मेरा चैनल दोस्तों 2019 का है, मैंने इस पर लगातार काम किया, मैं घिसते रहा लेकिन मेरे वीडियोस का रीच नहीं बढ़ रहा था, मेरे वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो फाइनली जब मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला, तो मैंने इसको अपने चैनल पर ठीक कर लिया। और दोस्तों, मुझे मेरे अपने एक ही चैनल पर नहीं, बल्कि जो मेरे तीन चैनल हैं, मेरे तीनों चैनल पर भी मुझे ये जो इशू है, मेरे तीनों चैनल पर मुझे देखने को मिले, और मैंने तीनों चैनल पर ही फिक्स कर लिया है। कैसे फिक्स कर लिया है वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा कि कैसे आप इसको अपने चैनल पे भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को इस इशू के बारे में बताता हूं, और आप भी चेक करिए कि क्या आपके चैनल पे भी ये इशू है। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके चैनल पर भी ये इशू ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि YouTube पर जितने भी चैनल है अभी, तो अभी ये जो बग चल रहा है सभी चैनल पर चल रहा है, ये जो इशू आ रहा है ना सभी चैनल पर आ रहा है। मैंने 2019 से 2022 तक काम किया, मेरा चैनल पर कोई ग्रो नहीं हुआ था। 2022 में जब मुझे ये प्रॉब्लम पता चला, मैंने इसको ठीक किया, तब मेरा चैनल ग्रो हुआ और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। 3 महीने पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है जो कि आपके चैनल को ग्रो होने में रोक रहा है। तो दोस्तों, इस पर तो मैंने पहले से ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन पर लिंक है, आप उसको देख सकते हैं, या उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है कि प्रॉब्लम क्या है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊंगा कि ये इशू है और इसका सॉल्यूशन क्या है, वो डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो मेरे पास अभी कंप्यूटर है, मैं कंप्यूटर पर भी करके आप लोगों को बता सकता हूं, लेकिन अभी ज़्यादातर जो नए क्रिएटर्स हैं, जो नए चैनल बनाए हैं, जिन्होंने अपना नया नया शुरू किया है चैनल, वो मोबाइल से ही सारा काम करते हैं। तो अभी मैं मोबाइल के स्क्रीन पर ही आप लोगों को पूरा करके दिखाने वाला हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो मैं कंप्यूटर पर भी चलूंगा। तो फिलहाल मैं अभी मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो इशू है उसको देख लेते हैं। तो हमें क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और अपने YouTube चैनल से लॉगिन कर लेना है, यानी जो हमारा जीमेल आईडी है, जिससे हमारा चैनल है, उससे हमें लॉगिन कर लेना है। और हमें आना है स्टूडियो वाले पेज पर, studio.youtube.com का जो पेज है वहाँ पे हमें आ जाना है। देख सकते हैं, ये मेरा एक नया चैनल है, मेरा ब्लॉग चैनल है आनंद केयर नाम का। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, आपको मेरे ब्लॉग वीडियो भी देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर हमें कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि मैं आप लोगों को इशू क्या है वो बता रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं इशू आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर हम कंटेंट वाले ऑप्शन में आ गए, यहाँ पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, इसको मैं चलिए ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसको टच किया, अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पर हमें लिखने का ऑप्शन मिल जाता है, एंड स्क्रीन और कार्ड वगैरह सब कुछ लगा लेते हैं हम यहाँ से। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है सो मोर का, अगर हम इस पर टच करते हैं सो मोर वाले ऑप्शन पे, तो नीचे जो टैग वगैरह सेक्शन होता है, टैग हम जहाँ से लगाते हैं ये मिल जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर टैग के जस्ट नीचे एक और ऑप्शन दिखाई देता है हमें, लैंग्वेज एंड कैप्शंस सर्टिफिकेशन का, और इसके नीचे जो मेन जो हेडिंग है यहाँ पर लिखा है वीडियो लैंग्वेज, यहाँ पर हिंदी आप देख सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, वो मैंने इंग्लिश कर रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्यों ये मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो मेरा वीडियो का लैंग्वेज है, मैंने मतलब जो मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ हिंदी में बोलता हूँ, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये हिंदी में बोल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे वीडियो लैंग्वेज को हिंदी कर रखा है, और जो भी मैं टाइटल लिखता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, टैग लिखता हूँ, वो सब कुछ मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया हूँ, और यूट्यूब पर जितने भी हिंदी चैनल है, मैक्सिमम जितने भी हिंदी चैनल हैं, सब लोग अपने चैनल पर ऐसे ही काम करते हैं, ऐसा ही अपने एसईओ करते हैं वीडियो का, मतलब वीडियो लैंग्वेज हिंदी होता है, तो हम उसका टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में ही करते हैं। हमारा वीडियो का लैंग्वेज कोई भी हो, हम हिंदी, गुजराती, मराठी, किसी भी भाषा में वीडियो बनाते हों, लेकिन जो टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो हम लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 99.9% जो चैनल है यूट्यूब पर, सभी इंग्लिश का ही यूज करते होंगे एसईओ के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने हिंदी और इंग्लिश कर रखा है, हिंदी का वीडियो हिंदी किया है और टाइटल डिस्क्रिप्शन मैंने इंग्लिश कर लिया है। अब दोस्तों, अगर आप अपने चैनल पर इसको चेक करेंगे तो आपको कुछ और मिल सकता है। यहाँ पर मेरे वीडियो का लैंग्वेज हिंदी है और मेरे जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन का लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश है, लेकिन इससे पहले क्या था, मेरे चैनल पर हिंदी था, दोनों हिंदी हिंदी था। यहाँ पर जो वीडियो का लैंग्वेज है वो भी हिंदी था और टाइटल का लैंग्वेज भी हिंदी ही था। तो YouTube के एल्गोरिदम को समझ में कैसे आएगा कि मैंने क्या क्या कीवर्ड लगा रखा है, क्या मैंने टाइटल दिया है, क्योंकि YouTube का जो भी सिस्टम है वो एल्गोरिदम पे चलता है। जो भी वीडियो वायरल होता है, सर्च में जाता है, सब एल्गोरिदम से जाता है, हमारे कीवर्ड से जाता है, जो हम कीवर्ड लिखेंगे उसी के हिसाब से। तो अगर यहाँ पर हमने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज हिंदी कर रखा है और मैंने अपने वीडियो में टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ इंग्लिश में लिखा है, तो YouTube के एल्गोरिदम को समझ में ही कैसे आएगा कि मैंने वीडियो में क्या लिखा है।
इसलिए हमारी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, हमारा जो वीडियो है वो सर्च में नहीं जाता है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए मेरे वीडियो के हिसाब से, क्योंकि मैं वीडियो हिंदी में बनाता हूँ और SEO इंग्लिश में करता हूँ। तो आपके भी, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपके भी सेटिंग में यही होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को अपलोड डिफ़ॉल्ट की सेटिंग भी दिखा देता हूँ। चलिए एक बार मैं बैक आता हूँ, एक बार फिर से मैं बैक आता हूँ। दोस्तों आप लोगों को एक बार फिर से कहूँगा कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, अगर आपका चैनल है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे एक बार बैक आ गया। अब दोस्तों मैं अपलोड डिफॉल्ट का जो होता है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर नीचे सेटिंग वाले ऑप्शन पर टच करेंगे हम, और यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें सेटिंग्स वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन दिखाई देता है अपलोड डिफॉल्ट का, यानी कि जब भी हम अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सेटिंग हमारे वीडियो में सेट हो जाएगा। चलिए इसको मैं चेक करता हूँ, टच करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पर है एडवांस सेटिंग्स का। एडवांस सेटिंग में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी देखते हैं जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज कैप्शन कैप्शन सर्टिफिकेशन वाला ऑप्शन। यहाँ पे वीडियो का लैंग्वेज हिंदी मैंने कर रखा है और टाइटल डिस्क्रिप्शन मैंने इंग्लिश कर रखा है। अब मैं यहाँ पे आपको बैक करके दिखाता हूँ इशू कहाँ आ रहा है। इशू यहीं से आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है वो अब देखिए। मैंने अपने इस वीडियो को फिर से ओपन किया। अब यहाँ पर जो हमने देखा था शो मोर के नीचे वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे वीडियो लैंग्वेज और टाइटल लैंग्वेज वाले ऑप्शन को, यहाँ पे जो अभी इंग्लिश आप देख रहे हैं ना ये वाला, अब मैं इसको कुछ और चेंज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि यहाँ पे मेरे हिंदी था, मुझे इसको इंग्लिश करना है, ठीक है। आप चेक करेंगे तो हो सकता है आपके वीडियो पे भी ऐसा ही सेटिंग हो, हिंदी ही हो, दोनों हिंदी हो। SEO वाला जो लैंग्वेज है दोस्तों, हमेशा इसको इंग्लिश ही रखना है, क्योंकि हम ज़्यादातर अपने वीडियोज में इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं कोई और लैंग्वेज ले लेता हूँ। फिलहाल ये हिंदी था तो सॉरी इंग्लिश था, तो मैं यहाँ से गुजराती ले लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे सेकेंड, ये कुछ और टच हो गया, यहाँ से मैंने सेट कर लिया इसको गुजराती, ये मैंने गुजराती ले लिया। चलिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लैंग्वेज क्या कर रखा है, वीडियो लैंग्वेज हिंदी और टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज गुजराती। दोस्तों ये होना चाहिए इंग्लिश। अब चलिए मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे मैंने सेव वाले बटन पे हम आएंगे, यहाँ पे मैंने सेव कर लिया, ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया। अब मेरे वीडियो का जो सेटिंग है वो क्या होना चाहिए, वीडियो लैंग्वेज मैंने हिंदी रखा है, हिंदी होना चाहिए, और जो SEO यानी टाइटल और डिस्क्रिप्शन का जो लैंग्वेज है वो गुजराती हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली होना चाहिए ना। तो आप देखिए, अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, आपको वहीं पे फिर से ले चलता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए अभी मैंने गुजराती किया, फिर भी यहाँ पे ऑटोमेटिक इंग्लिश ही है। तो ये भी इशू है, यही मेन इशू है कि हम अपने वीडियो का जो लैंग्वेज है उसको चेंज तो कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन चेंज हो नहीं रहा है। ये जब मेरे चैनल पर जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो मेरे वीडियो का लैंग्वेज हिंदी था और जो टाइटल का लैंग्वेज वो भी हिंदी ही था। तो मैंने जब इसको चेंज किया तो चेंज हो ही नहीं रहा था। मैंने एक दो तीन नहीं, मेरे जितने भी यूट्यूब पर मैंने जितने अब तक वीडियो अपलोड किए हैं, 252-253 वीडियो जो भी मैंने अपलोड किए हैं, मैंने उनमें से लगभग 30-35-40 वीडियोस पर मैंने ट्राई किया, लेकिन किसी भी वीडियो में मेरे जो सेटिंग था वो चेंज नहीं हुआ। यानी कि हिंदी का हिंदी ही रहता था। जब भी मैं इसको अप्लाई करता था ये चेंज होता ही नहीं था, दिखाता था कि चेंज हो गया, सेव हो गया। एक बार फिर से आप देखिए, यहाँ पर इंग्लिश है, मैं इसको टच किया और यहाँ से मैं कोई भी लैंग्वेज चलिए ले लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे एक दूसरा लैंग्वेज ले लिया है, कोई कॉप्टिक करके कोई लैंग्वेज होगा, मुझे नहीं पता, उसको मैंने सेट कर लिया। देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मैंने वीडियो लैंग्वेज हिंदी और टाइटल लैंग्वेज कॉप्टिक कर दिया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे सेव वाले बटन पर टच किया तो नीचे एकदम नीचे आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा चेंजेड सेव्ड, ब्लैक कलर में एक पॉपअप विंडो आया और वहाँ पे लिखा है चेंजेड सेव्ड का। लेकिन दोस्तों ये सेव नहीं हुआ है। फिर देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर देखिए वीडियो लैंग्वेज अभी, ये देखिए इंग्लिश ही है। तो मेरे लिए तो अभी हालांकि ये ठीक है, हिंदी और इंग्लिश ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप अपने चैनल पर चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि आपके चैनल पर ये नहीं है, कुछ और है। तो इसीलिए आपके वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, आपकी वीडियोस की रीच नहीं आ रही, आपके वीडियोस सर्च में नहीं जा रहे हैं। अब दोस्तों इसको ठीक कैसे करेंगे, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। आपको ये बताते हैं कि इसको हम ठीक कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों चलिए आप जान लेते हैं कि हम इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों इसके लिए हमें यूट्यूब टीम से बात करनी पड़ेगी। मैंने यूट्यूब टीम से पहले ही बात कर ली है और चैनल पर फिक्स कर लिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब आप यूट्यूब टीम से कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे। अब दोस्तों इसके लिए हमें यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना है। YouTube एप्लीकेशन ओपन करने के बाद राइट साइड में जो हमारे चैनल का जो लोगो दिखाई देता है, हमें यहाँ पे टच करना है। अब दोस्तों इसके बाद टच करने के बाद नीचे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा हेल्प एंड फीडबैक का, हमें यहाँ पे टच करना है। जब हम हेल्प एंड फीडबैक वाले ऑप्शन पर टच करेंगे तो नीचे हमें कॉन्टैक्ट अस का इस प्रकार से देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखाई देगा। नीचे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस, हमें इस पर टच करना है। और दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। तो फिलहाल कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पे हम टच करेंगे और यहाँ पे हम अपने इशू को लिख देंगे, जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें अपने चैनल का जो लिंक है, यानी हमारे चैनल का जो URL है, वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कैसे कॉपी करेंगे हम बैक आके आपको बता देते हैं। हम यहाँ पे टच करेंगे, ऊपर अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे, योर चैनल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे फिर से 3 डॉट पे टच करेंगे और यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे टच करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये हमने अपने चैनल के URL को कॉपी कर लिया है। और अगर आपका कस्टम URL बना हुआ है तो आपको पता होगा कि आप कैसे टाइप करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद फिर से हम यहाँ पे जाएंगे हेल्प एंड फीडबैक वाले ऑप्शन पे
और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, अपने चैनल का जो लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखिए देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट कैन वी हेल्प विथ, यहाँ पे हमें अपने चैनल का जो लिंक है वो पेस्ट कर देना है। अब हमें इसके बाद मैसेज टाइप करना है, डियर यूट्यूब टीम आई वॉन्ट टू चेंज माई वीडियोज लैंग्वेज ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन बट वाइल आई एम ट्राइंग टू चेंज इट इज़ नॉट चेंजिंग। इस प्रकार से आपको मैसेज टाइप करना है। एग्जैक्टली क्या मैसेज टाइप करना है, एग्जैक्टली सही सही तरीके से मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, आप वहां से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं या आप चाहें तो उसको देख करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद दोस्तों यानी हमें अपने चैनल का यूआरएल देना है, मैसेज टाइप करना है और इसके नीचे हमें एक ईमेल आईडी दे देना है, अपना एक जीमेल आईडी दे देना है जिसपे कि यूट्यूब हमें कॉन्टैक्ट करेगा। वो आप अपने जिस जीमेल आईडी से आपने अपना चैनल बनाया है आप वही जीमेल आईडी भी दे सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वही जीमेल आईडी दीजिए जिससे आपका चैनल बना हुआ है। इतना करने के बाद दोस्तों जब आप ये सब मैसेज वगैरह टाइप कर लेंगे तो आपको रिसर्चर्स वगैरह का ऑप्शन नेक्स्ट करेंगे तो आपको और भी ऑप्शन दिखाई देंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको ये पूरा करना है। नेक्स्ट स्टेप पर आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन चुनना है चुन सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें कि लैंग्वेज वाला इशू यहाँ पे दिखाया गया है, तो हम सिंपली इसको अदर पे कर देंगे। यानी कि हमें जो हमारा इशू है इसमें लिस्टेड नहीं है तो हम अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर टच करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर टच कर देना है। अब यहाँ पर जब आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टच करेंगे तो यहाँ पे आपको चैट और ईमेल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, सिंपली आप चैट वाले ऑप्शन पर टच करिए। जब आप चैट वाले ऑप्शन पर टच करेंगे दोस्तों तो नीचे आपको देखते हैं चैनल यूआरएल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जो चैनल का यूआरएल आपने कॉपी किया था यानी जो हमने अपने चैनल का लिंक कॉपी किया था हमें वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस प्रकार से। इसके बाद स्टार्ट चैट वाले ऑप्शन पर हमें टच करना है। जब हम स्टार्ट चैट वाले ऑप्शन पर टच करेंगे तो ये हमको रिडायरेक्ट करेगा चैटिंग वाले पेज पर। देख सकते हैं यहाँ पे योर नंबर वन इन लाइन, हम यहाँ पे चैटिंग में नंबर वन पे हैं। अभी जल्दी हमसे कोई ना कोई कनेक्ट कर लेगा और हमसे कांटेक्ट करेगा। देख सकते हैं हमारा चैट ऑन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें मैसेज टाइप करके सेंड करना है कि हमारे पास क्या इशू आ रहा है। फिलहाल मुझे कोई इशू नहीं है तो मैं यहाँ पर कोई भी मैसेज टाइप करके सेंड नहीं करूँगा और यहाँ पर मैं फिलहाल इनको सॉरी बोल देता हूँ, सॉरी इट वॉज बाई मिस्टेक। ठीक है, मैं इसको इट वॉज बाई मिस्टेक करके कर देता हूँ। लेकिन हमें क्या मैसेज टाइप करना है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वही हमको यहाँ पे टाइप करके सेंड करना है। मतलब हमको यहाँ पे बताना है कि हमारे चैनल पे ये इशू आ रहा है कि सर हम अपने वीडियो का जो टाइटल और लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन है वो चेंज कर रहे हैं, चेंज नहीं हो रहा है, यही बात हमको इंग्लिश में लिख लेना है। लिख के जब आप सेंड करेंगे ना तो आगे आपको क्या कहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरे साथ हुआ है वो आपसे आपके चैनल का यूआरएल आपको मांगेंगे जैसा कि आपने दे दिया है। इसके बाद आपसे वो एक ईमेल आईडी मांगेंगे तो आपको अपना एक ईमेल आईडी दे देना है। बस इसके बाद आपका यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा। अब आगे का प्रोसेस जो है दोस्तों आपके ईमेल आईडी से होगा। अब YouTube आपके ईमेल आईडी पर जो आपने ईमेल आईडी दिया होगा उस पर आपको एक ईमेल करेगा और वहां पे आपसे पूछेगा कि आपको क्या इशू आ रहा है, प्लीज़ आप एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हमें सेंड कर दीजिए। तो हमें करना क्या है कि अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में जहाँ कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं क्रोम ब्राउज़र में, तो हमें उसको ओपन करना है और वीडियो का जो टाइटल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है उसको चेंज करना है, वो पूरा रिकॉर्ड करना है, हमको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्ड करना है, सेव करना है और फिर दिखाना है कि देखिए हमने लैंग्वेज चेंज किया, सेव किया, लेकिन हमारा जो लैंग्वेज है वो चेंज नहीं हुआ है, वो एज इट इज़ बना हुआ है तो हम उसको चेंज नहीं कर पा रहेंगे। एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड होगा 30 से 40 सेकंड में, आई होप आप कर लेंगे। इतना ही करके हमें उसी ईमेल में रिप्लाई अटैच करके सेंड कर देना है। इसके बाद आपको फिर से मेल आएगा तो आपको मेल में लिखा दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं मुझे मेल मिला है टोटल, यहाँ पे अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो आपको मेल में ही बताया जाएगा कि सर हमारा जो टेक्निकल टीम है वो आपके चैनल को रिव्यू करेगी, देखेगी, जो भी इशू है उसको फिक्स कर दिया जाएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो जो बैकएंड टीम है, जो यूट्यूब की टेक्निकल टीम है, उन्होंने मेरे चैनल को रिव्यू किया, एनालाइज किया और जो इशू आ रहा था मेरे चैनल पे हिंदी वाला, जो कि मेरा लैंग्वेज हिंदी था, वो इंग्लिश हो गया, तो मतलब मेरे चैनल पे सॉल्व हो गया। इस प्रकार से मैंने अपने तीनों चैनल को सेट कर लिया, तीनों चैनल पे जो इशू है उसको मैंने फिक्स कर लिया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि जिनको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जिनको चैट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, वो क्या करेंगे। तो दोस्तों उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ईमेल आईडी दे रखा है। आपको क्या करना है, सिंपली उस ईमेल आईडी पर अपने इशू को, अपने प्रॉब्लम को टाइप करके सेंड कर देना है। जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने बताया कि आप चैटिंग में ऐसे ऐसे लिख के भेजेंगे, वही बातें आपको ईमेल में लिख के उस ईमेल आईडी पर लिख के सेंड कर देना है। उसके बाद यूट्यूब की तरफ से आपको रिवर्ट ईमेल आएगा तो आपको भी क्लिप वगैरह सेंड करना है जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में, सेम वही प्रोसेस आपको भी करना है। बस आपको चैट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको डायरेक्ट ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा यूट्यूब टीम से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद अब आप अपने चैनल पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप निसंकोच मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है anandkrv23, आप मुझे वहाँ पर डीएम करिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा। तो वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ऐसे और हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा।